मेरे लाइफ का एक ही प्लान है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स ये इस देश को बदल सकते हैं। आज़ादी से पहले अगर आप गौर कीजिएगा ना, तो देश को बदला था वकीलों ने मिलकर। आप चाहे वो महात्मा गांधी को उठाइए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार पटेल, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने वकील थे वो उस वक्त में। लेकिन अभी की जो दौर है वो युवाओं के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में। अब युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा है। आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट जो थी, एनटीपीसी का रिजल्ट जो थी वो रोकी हुई थी, मतलब उसका जो फॉर्म नहीं निकालने दे रही थी, उसका डेट कब होगा कोई क्लियरेंस नहीं कर रही थी। 5 दिन तक स्टूडेंट्स ने डिजिटल स्ट्राइक किया, 5 दिन तक स्टूडेंट्स ने मारा, ट्विटर पर कैंपेन चला दिया, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट को आना पड़ा, तुरंत एसएससी का कैलेंडर जारी करना पड़ा, दिसंबर में कहना पड़ा कि रेलवे का एग्जाम ले। तो स्टूडेंट्स की आप दबिए नहीं, आप दबेंगे तो दबाएंगे, और आप पढ़े लिखे होकर दब जाएंगे तो फिर एक अनपढ़ को तो कुचल दिया जाएगा, उसको दबाया ही नहीं जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जाग गया है, अब स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता।